शॉमी गॉट ऑल दी सुबह उठ के वो सब कुछ लेके आए बड़ा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज सोमवार है एंड अभी बज रहे शाम के, मैं अंदर जाके दिखाऊंगा, आई थिंक सो इट्स अराउंड 6 o'clock। तो आज हम लोग के यहाँ पे मेमोरियल डे है। मेमोरियल डे में ना यहाँ पे सब लोग बहुत बारबेक्यू करते हैं, हम लोग भी ऑलमोस्ट हर साल ही बारबेक्यू करते हैं। तो मैंने शॉमी को बोला इस साल क्यों नहीं करेंगे, तो मैंने थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन किया है एंड मैंने आप सबके लिए रिकॉर्ड भी किया है दैट व्हाट आर द थिंग्स आई एम गोइंग टू मेक। तो वो आप लोग देख लीजिए किस तरीके से मैंने मैरिनेट किया है। तो यहाँ पे अराउंड 6 ड्रमस्टिक है। अभी ये कितना पाउंड है, केजी है, मुझे पता नहीं। तो फर्स्ट में इसमें ना अराउंड 1.5 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस दे रही हूँ। यहाँ का लेमन, लाइक ये लेमन इतना ज़्यादा खट्टा भी नहीं है, तो मैंने हाफ लेमन दिया है। फिर 1 teaspoon ऑफ वाइट चिली पाउडर, लाइक येल्लो चिली पाउडर, अगर नहीं है देन दैट्स फाइन। फिर मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं इसमें ब्लैक पेपर क्रश करके दे रही हूँ, अराउंड 1 teaspoon ऑफ ब्लैक पेपर, लाइक एप्रोक्स। फिर यहाँ पे ना मैंने एक पेस्ट बनाया था विथ अराउंड 10 कैशू नट एंड मैंने 2 ग्रीन चिली ऐड किया था, 1 tablespoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसके बाद मैं दे रही हूँ इसमें अनियन पाउडर, 1/2 teaspoon ऑफ अनियन पाउडर। इफ़ यू डोंट हैव देन आप थोड़ा अनियन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अराउंड 1.5 tablespoon ऑफ मेल्टेड बटर। तो अभी हम लोग इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे एंड मैंने देखा है कि हाथ से ही एक्चुअली लाइक बहुत अच्छी तरीके से आपको चिकन को मैरिनेट करना है। तो अभी हम लोग इसको फ्रिज में रख देंगे फॉर अराउंड 2 to 3 hours, तभी टेस्टी होगा। पनीर शीक कबाब टाइप बनाएंगे, उसके लिए ना यहाँ पे मेरे पास अनियंस एंड बेल पेपर है, वो मैंने क्यूब साइज में कट कर लिया है। यू कैन टेक डिफरेंट कलर ऑफ बेल पेपर। तो फर्स्ट मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ, फिर अराउंड 1/2 teaspoon ऑफ चाट मसाला पाउडर। उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ 1 teaspoon ऑफ रेड चिली पाउडर। फिर हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे एंड देन ऐड सम ऑयल इन इट। ऑयल ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो ऑयल ऐड करने के बाद ना मैं इसको बंद करके ना थोड़ा शेक कर लूंगी एंड सारे मसाले, ताकि अनियंस एंड बेल पेपर में लग जाए। तो पनीर को ना मैंने क्यूब्स शेप में कट कर लिया, थोड़ा मोटा पनीर को कट कीजिएगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए मैंने निकाला था। फर्स्ट हम लोग ऐड करेंगे 1/2 teaspoon ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ये ना मैंने ड्राई रोस्ट किया था धनिया को, धनिया एंड कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके मैंने कूट लिया था। अराउंड 1 tablespoon ऑफ धनिया पाउडर है एंड 1 tablespoon ऑफ कसूरी मेथी। फिर हम लोग इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, दिस इज एज पर योर टेस्ट। फिर अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 teaspoon ऑफ चाट मसाला पाउडर। फिर अभी हम लोग इसमें ऑयल देंगे, कभी भी पानी ऐड मत कीजिएगा एंड देन मिक्स इट। एंड मिक्स करने के बाद ना थोड़ा टेस्ट कर लीजिएगा इसमें, जैसा कि ये मिक्सचर में ना सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए बिकॉज यू नो वील अगेन मैरिनेट इट विथ पनीर। तो मैंने देखा सॉल्ट थोड़ा कम है, तो मैंने थोड़ा चाट मसाला पाउडर एंड रेड चिली पाउडर ऐड किया है। तो अभी हम लोग पनीर के पीसेस को दे देंगे एंड फिर ना एक प्लेट से कवर करके तो बहुत ईजिली एक्चुअली मैरिनेट होता है, थोड़ा शेक कर लीजिएगा। तो सारे मसाले आप देख सकते हैं पनीर में अच्छी तरीके से कोट हो चुके हैं, जो बहुत एसेंशियल है। एंड ये कुछ बैम्बू स्क्यूअर्स है जो मैंने पानी में भिगो के रखा है। तो चलिए टाइम दिखाते हैं। सी मैं बोल रही थी इट्स 6:05 एंड जैसे कि आप सब ने देखा वो चिकन का मैरिनेशन भी इजी है एंड पनीर का भी बहुत इजी है। पनीर में ना आपको लाइक धनिया को ना थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेना है, मैंने कसूरी मेथी को भी थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लिया एंड फिर कूट लिया था एंड एक बार मैंने बनाया था तब ये सब जो स्टिक है ना ये सब जल गया था। तो मेनी ऑफ यू टोल्ड मी कि पायल ऐसा पानी में भिगो के रखना, तो होपफुली आज ये ठीक रहेगा। तो पनीर एंड चिकन लाइक वॉज मैरिनेटेड फॉर अराउंड 3 to 4 hours, क्योंकि मैरिनेशन मैंने 2 बजे किया था एंड आप जिस तरीके से चाहे यू कैन मेक इट। अगर कलरफुल बेल पेपर्स हो तो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो
शाम का वक्त फुल पार्टी मूड इज ऑन, बिकॉज पता नहीं ये साल और हम लोग बारबेक्यू करेंगे भी या नहीं, बट या वट एवर टाइम इज देयर आई फील वी शुड एंजॉय इट, एंड रैक्स भी फुल ऑन मस्ती कर रहा है। तो आज एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड शॉमिक इज़ लाइक कि तुम यू नो उसके सामने में मत जाना, गर्म होता है ना, ही इज़ लाइक आई विल ओनली डू इट। ओ बहुत गर्मी लग रहा है एंड मैं बोलती हूँ ना हम लोग को यहाँ बहुत ही जंगली जगह है एंड बहुत सारे मच्छर भी हैं एंड रैक्स को देखो, रैक्स सोच रहा है क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है रैक्स, लाइक हम लोग को यहाँ पे ना बहुत मच्छर है एंड दिस इज सम ये स्पार्कलिंग पीच ड्रिंक है। शॉमी गॉट ऑल दी, सुबह उठ के वो सब कुछ लेके आए, बारबेक्यू करेंगे बोल के। ये अच्छा है। तो हम लोग ने सब ने ना वो मच्छर वो स्प्रे टाइप रहता है ना जो लगाना पड़ता है वो सब लगाया है। मलाई कबाब टाइप है तो जो रिमेनिंग सी बहुत सारा मैरिनेट है ना, अभी ना मैं थोड़ा लाइक अंदर ही बनाऊंगी, आई विल ऐड लिटिल बिट ऑफ ऑयल एंड फिर ना इससे ना एक अच्छा सॉस टाइप हो जाता है तो कबाब के ऊपर में ना देन यू कैन गिव इट, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। लाइक क्यों बेकार में खराब करना, तो मैं भी अंदर में ले जाके करूंगी। क्या हुआ समझ गए? हाँ हाँ, देन इट विल बी टेस्टी, क्यों फेंकना, लाइक व्हाई टू वेस्ट इट ना। एंड सच बात बताओ तो मैं कहाँ पे देखे, हाँ मैं ये बहाने बनाने का बहाना करके ना मैं अंदर आ गई क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी है ना अभी ना, आउटसाइड टेम्परेचर इज 31 degrees एंड बिल्कुल भी हवा नहीं एंड मच्छर, तो यू नो बोनस में मच्छर मिलेगा। तो हो गया है ये सी, इट इज रेडी, ये हो गया है। लास्ट ब्लॉग में दिखा रही थी ना तो बेबी का भी मैंने सब कुछ यू नो लोग एंड राय देख रही, मम्मी राय बोले मम्मी इतना छोटा छोटा सब कुछ है स्पेशली सॉक्स एंड ऑल, तो वो सब कुछ वॉश करके ना हॉस्पिटल में जैसा लेके मैं जाऊंगी सब कुछ मैंने अच्छी तरीके से पैक भी कर दिया है। तो शॉमी बोल रहे थे कि ये सूटकेस लाइक इट्स पैक्ड, एवरीथिंग इज डन, अभी और एक बैग में मैं थोड़ा थोड़ा अपना सामान रखूंगी। तो शॉमी बोल रहे थे चलो मैं कार में ही रख के आ जाता हूँ। तो हाँ बना रहे हैं शॉमिक, पता नहीं मैं कहाँ पे देख रही हूँ इन फोन ना, आई गेट कन्फ्यूज। हाँ यहाँ पे अभी शायद मैं सही देख रही हूँ। पर मैं एक ही चीज होता है कि चिकन अब कुछ भी कबाब बनाए ना इतना जूसी होता है एंड मुझे लगा भुट्टा तो बनना ही चाहिए एंड मेरा बस हो गया, मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ अभी, तो मैं अभी ये अंदर लेके चली जाऊंगी। एंड जब भी मैं ऐसा कुछ ड्रमस्टिक बनाती हूँ ना नीचे का पोर्शन हर वक्त मुझे लगता है दैट कवर इट विद सम एल्युमिनियम फॉइल, तो खाते वक्त भी ना बहुत इजी होता है। तो हम लोगों के घर में राय ने एक ही चिकन खाया बस, राय का हो गया इतनी शी इज फुल, तो मैंने बोला पनीर तो खाओ तुम्हारे लिए बनाया है, हैव वन पनीर। तो मैंने शॉमी को बोला या कॉर्न, तो अभी हम लोग कॉर्न ऑन द कॉब खाएंगे एंड फिर पनीर हो जाएगा, दैट्स इट। पर अभी ना आई कॉन्ट हैव ओनली एनीथिंग, थोड़ा खाती हूँ ना तो बस लगता है फुल हो गया, फिर आफ्टर थोड़ा टाइम के बाद फिर भूख लग जाता है, बट इट वॉज गुड, बहुत भला है ना। कैसा हुआ था शॉमिक? एक्सेलेंट बता दे, एक्सेलेंट। कोई मुझे बोल रहा था कि पायल तुम्हारा बेबी भी अगर ऐसा एक्सेलेंट एक्सेलेंट कैसा होगा। नहीं बहुत टेस्टी हुआ था, या हैव इट मामा, गिव सम सॉल्ट एंड लेमन इन द कॉर्न। तो मैंने शॉमिक को बोला कि मुझे थोड़ा रेड चिली पाउडर लगा के दो। जस्ट लुक, आज मेरा स्टिक परफेक्ट है, बिल्कुल भी नहीं जला, सो थैंक यू सो मच फॉर योर आइडिया, जिसने मुझे ये आइडिया दिया था। गुड
मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज मंगलवार है एंड गार्डन में बहुत अच्छे पियोनीज हुए हैं। तो आज मंगलवार है, जैसे कि मंगलवार को मेनी ऑफ यू नो कि मैं भगवान को पान चढ़ाती हूँ। ऐसा होता है ना, 5 पान नहीं तो 5 फल, लाइक आपका जो मन है यू कैन गिव, बट हम लोग हर वक्त ना ऑड नंबर्स देते हैं। तो अभी तो यू नो आई कॉन्ट सिट डाउन एंड लास्ट मंगलवार को भी मैंने नहीं दिया था, तो शौमिक मुझे बोल रहे थे तुम पायल मुझे बता दो मैं दे दूंगा। तो सुबह उठ के ना उन्होंने पूजा दे दिया एंड अभी काफी लेट हो चुका है, नाउ द टाइम इज 11:30 एंड कल एक्चुअली ये ग्रिल जो मैंने पनीर बनाया था ना बहुत टेस्टी हुआ था, पर अभी ना मैं तो खा ही नहीं पाती हूँ। मैंने सिर्फ एक चिकन खाया, मेरा हो गया एंड बहुत गर्मी भी था कल, तो रायक ने भी एक चिकन खाया, फिर हम लोगों ने सिर्फ एक एक पनीर खाया। तो मैं सोच रही हूँ ना इससे आई विल मेक सम कुछ एक करी टाइप बना लूंगी, पर कल अच्छा लगा। यू नो शौमिक का एक्चुअली ये आइडिया था, शौमिक मुझे बोल रहे थे नहीं पायल चलो ग्रिल करते हैं बिकॉज पता नहीं फिर और कब ये साल में होगा भी या नहीं, मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड बेबी होने के बाद कहा और ये सब करेंगे एंड 4th of July में तब तक पता नहीं मेरा हालत कैसा होगा, तब तो बिल्कुल लास्ट स्टेज चला जाएगा ना। तो अच्छा हुआ, तो इसीलिए ना ये संडे भी एक्चुअली मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है, आई थिंक सो आफ्टर 2 ईयर्स से ज्यादा ही होगा, 2 ईयर्स तो होगा ही कि मैं शौमिक एंड राय हम लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के हम लोग खाने गए थे। मैंने और राय ने तो खाया था इन द मंथ ऑफ डिसम्बर जब हम लोग सिटी गए थे, पर शौमिक कभी भी नहीं गए थे। सो वी वेंट टू चीज केक फैक्ट्री एंड बहुत अच्छा खाना था एंड शायद मुझे लगता है आफ्टर 3 ईयर्स हम लोग चीज केक फैक्ट्री में बैठ के खाने के लिए आए हैं। तो चीज केक फैक्ट्री का ये जो ब्रेड है ना ये मेरा और राय का बहुत फेवरेट है, पर आज एक्चुअली बहुत ही कम दिया था। देन मैंने और राय ने ये ड्रिंक लिया था विच वन वाज क्वाइट टेस्टी एंड वी टुक दिस डायनामाइट श्रिम्प एंड उसके साथ ना राय को ये बहुत पसंद है, दिस इज फ्राइड मैक एंड चीज, बहुत ही टेस्टी होता है। सो ये मेन कोर्स में मैंने थाई चिकन करी लिया था एंड राय टुक सम पास्ता, मुझे इसका नाम पता नहीं है, शौमिक ने भी पास्ता लिया था जो हम लोग कुछ भी खा नहीं पाए एंड द एंड रिजल्ट वाज कि वी पैक्ड एवरीथिंग, सिर्फ हम लोगों ने स्टार्टर खाया। तो खाना उस दिन बहुत टेस्टी था चीज केक फैक्ट्री का। एक्चुअली मैं श्रिम्प बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, पर आफ्टर आई डोंट नो सो मेनी डेज ना उस दिन मैंने डायनामाइट श्रिम्प खाया था एंड ऊपर का जो बैटर था ना इट वाज सो फ्लफी, लाइक हर एक आइटम ना वाज एक्सेलेंट। क्योंकि कहीं ना कहीं आई डोंट नो हाउ मेनी आपके जगह पे ऐसा हुआ है कि नहीं, बट हम लोगों के यहाँ पे ना खाने का स्टैंडर्ड ना आफ्टर दिस पैंडमिक ना सभी रेस्टोरेंट में काफी लो हो गया है, लाइक जस्ट लुक इसके लाइक आंखों में इतना नींद है, क्या अच्छा बाबू, ओ बाबू। तो दाल ऑलरेडी है, आज मैं कुछ भी ज्यादा नहीं बनाऊंगी, सिर्फ अभी आइल में एक भिंडी फ्राई एंड रेक्सु बाबा वेट कर रहे कि मैं उसको कब अंडा दूंगी। तो मैं ना फुल कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं इससे क्या करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने दिखाया था ना आप सबको रेसिपी कि इतने इसमें ना ऑलरेडी इतने सारे मसाले हैं, इफ यू ऐड मोर ना तो वो खराब ही होगा एंड इसको ना थोड़ा लाइक ड्राई करके अभी अगर थोड़ा फ्राई कर दूँ ना तो ऐसा रोटी के साथ ना आप रैप बना के भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगेगा। तो एक पैन पे ना मैंने थोड़ा ऑयल लिया था, उसके बाद मैंने बहुत सारा गार्लिक ऐड किया है, फिर अराउंड 2 टमाटर एंड सम ग्रीन चिली। तो हम लोग हल्का इसको फ्राई करेंगे, उसके बाद पनीर को मैंने ऐड कर दिया है एंड बहुत सारा मसाला आप देखेंगे नीचे में लग जाता है ना, तो वो मैंने थोड़ा पानी दे के मैं वो मसाला मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी थोड़ा कवर करके रख देंगे फॉर अराउंड 5 मिनट्स एंड दैट्स इट, पनीर इज रेडी। ज़्यादा हम लोग को ओवर कुक नहीं करना है। तो बस खाना बनाना खत्म एंड गर्मी में ना आप देखेंगे ना मुझे कुछ इतना ज्यादा खाने का ही मन नहीं करता है। आज लोग बहुत जन बोल रहे थे कि पायल स्वाडल कराना, बेबी को स्वाडल कराना, तो मैंने बहुत सारा स्वाडल ऑलरेडी ले लिया है, पर हाँ आई हैव परचेज द रेडीमेड वन, यू नो जो इजी है
क्योंकि खुद से मुझे ये सब कुछ भी नहीं आता है. दिस इज समथिंग जो राय के टाइम में भी मैंने नहीं किया था, तब पता ही नहीं था. मैं नहीं ऑफ यू भी लग रही आई होप सो. जो नैनी को मैंने हायर किया है उसको ये सब आता है, क्योंकि मैंने उससे पूछा था, शी वाज लाइक या मुझे ये सब आता है. होपफुली उसको आता होगा एंड उससे तब मैं भी सीख लूँगी. देखते क्या होगा, बट हाँ डेफिनेटली वो रेडीमेड वॉन्स आर वेरी गुड. टुडे ऑल्सो समवन गेव मी नेम ऑफ अदर वेबसाइट कि वहाँ पर बहुत अच्छे स्वाडल मिलते हैं, तो मैंने फिर और दो खरीद लिया. सो नाउ द टाइम इज 3 o'clock एंड चलिए ये व्लॉग को भी एंड करते हैं. जो भी हो, ये हम लोगों का लॉन्ग वीकेंड काफ़ी अच्छा गया. अभी पता नहीं नेक्स्ट लॉन्ग वीकेंड आते आते 4th of July में क्या होगा. यू नो वंस 8 months स्टार्ट हो जाता है, इसी थोड़ा तो डर लगता है. ये मेनी ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा टेंशन तो लगा ही रहता है. बट हाँ दिस वीकेंड वॉज बहुत ही अच्छा था. हम लोगों ने वो मूवी देखा था RRR, वो नेटफ्लिक्स पे है ना, मुझे वो मूवी काफ़ी अच्छा लगा. यू नो बहुत ही एंटरटेनिंग है एंड डेफिनेटली स्ट्रेंजर थिंग्स का हम लोगों ने 3 episodes ही देखा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, अराउंड 1 hour 15 minutes. तो फिर हम लोग नेक्स्ट में भी फ्राइडे और सैटरडे देखेंगे, क्योंकि राय भी देखेगी. तो इट वॉज रियली गुड, वी एन्जॉयड ए लॉट. एंड हाँ रक्षु बाबा ने भी एन्जॉय किया. हाँ रक्षु बाबा अभी सोच रहा है डोंट गो आउट बाबा, इट इज वेरी हॉट. नहीं मैं इसको बाहर नहीं लेके जाऊंगी, बहुत ज्यादा गर्मी है. ओ माय गॉड. तो चलिए विद दिस हॉट हॉट वेदर में ये व्लॉग एंड करती हूँ. एंड डेफिनेटली जो लोग वेज है यू कैन ट्राई दैट पनीर का रेसिपी, बहुत टेस्टी हुआ है. ग्रिलर का भी ज़रूरत नहीं है, यू नो गैस पे भी ऐसा बना सकते हैं. एंड जो लोग नॉन वेज खाते हैं वो चिकन का रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. तो आई विल ट्राई टू मीट यू ऑल टुमारो विथ ए न्यू वीडियो. मुझे लगा ये मैंने ट्राईपॉड है नहीं. अनटिल देन बाय बाय.